हेलो नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान घर चैनल पर। आज हम किसी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूसा केसर किस फसल की किस्म है? पूसा केसर गाजर की किस्म है, गाजर। सेब की अंबरी किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है? सेब की अमरी जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक लोकप्रिय है, जम्मू कश्मीर। फूल गोभी में फूल बनने से पहले आप परिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है? फूल गोभी में फूल बनने से पहले आप परिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना बोल्टिंग कहलाता है, बोल्टिंग। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? वर्षा उपहार भिंडी की प्रजाति है, भिंडी, भिंडी। कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है? तो पंत सम्राट है, पंत सम्राट। आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है? आम की रूमानी प्रजाति बेमौसमी है, रूमानी। आम की सिंधु प्रजाति किन दो वैरायटियों की संकर है? आम की सिंधु प्रजाति रत्ना एवं अल्फांजो की संकर है, रत्ना एवं अल्फांजो। नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी कौन फैलाती है? नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी टोक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा फैलाती है, टोक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा फल है? राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत बेल है, बेल। बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय कौन सा माह है? बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय जुलाई अगस्त है, जुलाई अगस्त। केले की कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है? केले की पूवन प्रजाति पनामा विल्ट के प्रति अवरोधी है, पूवन। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? आलू की कुफरी चिप्स होना प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है, कुफरी चिप्स होना। आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प द्रुशीतन है? सहारनपुर प्रभात। आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से होती है? आम में लिटिल लीफ की बीमारी जिंक की कमी से होती है, जिंक। प्याज की सफ़ेद किस्म कौन सी है? प्याज की सफ़ेद किस्म उदयपुर 102 है, उदयपुर 102। पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है? पालक में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अमरूद की प्रमुख शर्करा कौन सी होती है? अमरूद में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज। अंगूर में हिन एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी है? अंगूर में बोरोन की कमी से हिन एंड चिकन बीमारी होती है, बोरोन। काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुत्तूर में स्थित है, पुत्तूर। प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे। अमरूद की किस्म ललित कहाँ से विकसित हुई? अमरूद की किस्म ललित CISH लखनऊ से विकसित हुई है, लखनऊ। टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा क्या है? टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा 750 ppa है, 750 ppa। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन धान में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए। दाने के लिए बाजरा की बुआई किस समय करनी चाहिए? दाने के लिए बाजरा की बुआई जुलाई में करनी चाहिए, जुलाई में।
भारत में बंजर भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत में बंजर भूमि का लगभग 175 मिली हेक्टेयर है, 175 मिली हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। वानस्पतिक सुप्तावस्था किस में पाई जाती है? वानस्पतिक सुप्तावस्था धान में पाई जाती है, संकर धान में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? IIPR कानपुर में स्थित है, IIPR कानपुर में स्थित है तथा IIVR वाराणसी में स्थित है। FIRB विधि विकसित की गई किसकी बुवाई के लिए? FIRB विधि गेहूं की बुवाई के लिए विकसित की गई, गेहूं की। मक्का में ऊतक विश्लेषण हेतु कौन सी पत्ती ली जाती है? मक्का में ऊतक विश्लेषण हेतु ऊपर से तीसरी पत्ती ली जाती है। वृक्षों में एग्जैंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? वृक्षों में एग्जैंथिमा नामक बीमारी तांबा की कमी से होती है, तांबा। पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक होता है, अधिक। कैल्शियम का एक मिली तुल्यांक किसके बराबर होता है? कैल्शियम का एक मिली तुल्यांक 40 मिलीग्राम कैल्शियम के बराबर होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला किण्वक कौन सा है? नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज। चलायमान तत्वों की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस हिस्से में दिखाई देते हैं? चलायमान तत्वों की कमी के लक्षण सर्वप्रथम नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीवाणुओं में आक्सीकृत रूप में उपस्थित होते हैं, आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीवाणुओं में आक्सीकृत रूप में उपस्थित होता है, सल्फर है, सल्फर। फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच रेंज पर होता है? फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण 4.5 से 5.5 के बीच होता है। अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता किस मृदा में होती? अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता पेडजोल मृदा में होती है, पेडजोल। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन है? मृदा निर्माण के सक्रिय कारण जलवायु एवं जीव मंडल है। उर्वरक मिश्रण में आर्द्रता ग्राहिता को घटाने एवं भौतिकीय दशा सुधारने हेतु जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ समुच्चय कारक कहलाते हैं, समुच्चय कारक। पूसा मजेस्टी किस फसल की एक उन्नत प्रजाति है? पूसा मजेस्टी पपीता की एक उन्नत प्रजाति है, पपीता। भिंडी की YBMB अवरोधी प्रजाति कौन सी है? पूसा सावनी YBMB अवरोधी प्रजाति है, पूसा सावनी। पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत पपीता होता है, पपीता। कौन सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? सिस्टीन सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, सिस्टीन। मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास कितना लेते हैं? मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास 2 mm से कम होना चाहिए, 2 mm से कम। पूरा ह्यूमस किसे कहा जाता है? कंपोस्ट के गड्ढे का ह्यूमस पूरा ह्यूमस कहलाता है, कंपोस्ट के गड्ढे का ह्यूमस। सामान्य मृदा पीएच रेंज जिसमें पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है वह क्या है? 6.5 से 7.5। बेडरॉक के ऊपरी असंपीडित सामग्री को किस नाम से जाना जाता है? बेडरॉक के ऊपरी असंपीडित सामग्री को रिगोलिथ कहते हैं, रिगोलिथ। TNV प्रणाली किससे संबंधित है? ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली फसल उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित है, फसल उत्पादन कार्यक्रम।
शीर्ष संकरण एक संकरण है, दो अंतः प्रजातों के बीच का, दो अंतः प्रजातों के बीच। केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 14 है, 14। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन आर लाइन होती है, आर लाइन। नोरिंटेन जीन के द्वारा बौने किस्म के पौधे किस फसल के तैयार किए गए? नोरिंटेन जीन के द्वारा गेहूं के बौने किस्म तैयार किए गए, गेहूं के। आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई क्या कहलाती है? आलू की फसल में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई समानांतर फसल कहलाती है, समानांतर फसल। ब्रुसेनिंग प्रक्रिया किसमें की जाती है? ब्रुसेनिंग प्रक्रिया धान में की जाती है। सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है किस फसल की? सम्राट चने की एक कम अवधि की प्रजाति है। गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था सीआरआई अवस्था या ताजमूल आते समय। मक्के की कंचन प्रजाति कितने दिनों में पकती है? मक्के की कंचन प्रजाति 75 से 80 दिनों में पकती है। जीरो टिल सीड ड्रिल कहाँ विकसित किया गया? जीरो टिल सीड ड्रिल पंतनगर में विकसित किया। जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई कितनी होती है? जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर होती है। लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किस प्रकार करते हैं? लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन हवाई दाब विधि से करते हैं। ट्राइकोडर्मा विधि का प्रयोग चने में किसके रोकथाम हेतु किया जाता है? ट्राइकोडर्मा विधि का प्रयोग चने में झुलसा के नियंत्रण हेतु किया जाता है, झुलसा के नियंत्रण हेतु। फूलगोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का क्या कारण है? फूलगोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण बोरोन की कमी है। तिल में तेल की मात्रा कितनी होती है? तिल में तेल की मात्रा 45 से 52% होती है। धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता कितनी होगी? धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता 100% है। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है? अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा 24% होती है। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? मूंगफली में दानों की औसत मात्रा 70% होती है। अमेरिकन कपास में रेशे का परसेंटेज कितना होता है? अमेरिकन कपास में रेशे का परसेंटेज 20% होती है, 20%। डेपोक विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध कितने दिन में रोपाई लायक हो जाती है? डेपोक विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध 11 से 12 दिनों में रोपाई लायक हो जाती है। गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी होती है? गन्ने में 60 से 70% रस की मात्रा होती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर कितनी होती है? ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज की दर 25 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता किसने सिद्ध की? पौधों में लौह तत्व की आवश्यकता ईग्राइस द्वारा सिद्ध की गई, ईग्राइस। मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण हेतु परपरागण क्रिया करते हैं। वर्ण प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है, वर्ण प्रकार की विभिन्नता होने पर वातावरण प्रभावकारी है। भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म कौन सी थी? भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म H4 थी, H4।
प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है? प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी 500 मीटर है। 500 मीटर किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने हेतु किस क्रॉस का प्रयोग किया जाता है? इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने हेतु टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट क्रॉस उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति कौन सी है? उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति किरण है। किरण परीक्षार्थ संकर होता है। परीक्षार्थ संकर F1 इंटू अप्रभावी जनक का होता है। फली बेधक कीट किस फसल का है? फली बेधक चने का एक भयंकर कीट है। रबर सेप्ता का प्रयोग किस ट्रैप में होता है? रबर सेप्ता का प्रयोग फेरोमोन ट्रैप में होता है। फेरोमोन गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी म्यूकस है। म्यूकस किस कीट में पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है? मधुमक्खी में पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है। कीट रोग किसके द्वारा होता है? कीट रोग फफूंदी द्वारा होता है। फफूंद गुलाबी कंदू कीट किस फसल का प्रमुख शत्रु है? गुलाबी कंदू कीट या पिंक बॉलवर्म कपास का प्रमुख शत्रु है। कपास मिलीबग का प्रकोप सर्वाधिक किस फसल पर होता है? मिलीबग का प्रकोप सर्वाधिक आम पर होता है। आम गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ SBI या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया गया। उत्पादन प्रतिफल मुख्यतः क्या होता है? उत्पादन प्रतिफल मुख्यतः लाभों का प्रतिफल होता है। उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय लाभ अर्जित करना है। कृषि ज्ञान केंद्र किसके द्वारा प्रतिभूत किया गया? कृषि ज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभूत किया गया। नियमित बाजार क्या सुनिश्चित करता है? नियमित बाजार संतोषजनक मूल्य सुनिश्चित करता है। नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि कौन सी है? नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि कठपुतली विधि है। कठपुतली IVLP कार्यक्रम किसके द्वारा प्रतिभूत हुआ? IVLP प्रोग्राम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिभूत हुआ। इरियोसोमा लैनिजेरा पेस्ट किस फसल का है? इरियोसोमा लैनिजेरा सेब का पेस्ट है। सेब काइलोमिनस सैक्स मैकुलाटा क्या होता है? काइलोमिनस सैक्स मैकुलाटा प्रीडेटर है। अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा किन दो प्रजातियों की संकर है? अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा ब्लैक चंपा और क्वीन ऑफ वेनरॉड की संकर है। क्वीन ऑफ वेनरॉड इसी के साथ 100 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।